करने को लेकर एक बार फिर विवाद हुआ। हिंदू महासभा ने दी मॉल में सुंदर कांड का पाठ पढ़ने की चेतावनी। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वायरल होने के बाद विवाद भी खड़ा हो गया। हिंदू महासभा ने कहा कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मॉल में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। वहीं लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मॉल में नमाज पढ़ने की वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू महासभा ने कहा कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो कार्यकर्ता मॉल के भीतर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में आधा दर्जन लोग मॉल के भीतर नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये वीडियो लखनऊ के लुलू मॉल का है, जहां जिस उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल का कहा जाता है। इस मॉल का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को किया था। मॉल में नमाज पढ़ने का लेकर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिरसर चतुर्वेदी ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की मनाही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मॉल में एक खास धर्म के लोगों को ही नौकरी दी जा रही है। सिरसर चतुर्वेदी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मॉल में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। मॉल में नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल होने के बाद मॉल के अधिकारियों ने सफाई दी है कि उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मॉल में किसी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। गौरतलब है कि लखनऊ का लुलू मॉल का सोमवार को आम जनता के लिए शुरू कर दिया गया था और 2000 करोड़ की लागत से बने इस विशाल मॉल में 2.5 लाख स्क्वायर फीट हाइपर मार्केट बनी है। वही 22 लाख वर्ग क्षेत्र में फैले इस मॉल में के अंतर्राष्ट्रीय और स्वदेश ब्रांड मौजूद हैं। इस तरह का अनोखा मॉल अभी तक भारत में नहीं बना है। मॉल में 22 मीटर का कॉरिडोर भी है। मॉल में 7000 स्क्वायर फीट की पार्किंग दी गई है, जिसमें एक समय पर 3000 गाड़ियां आराम से आ सकती हैं। 4 साल में तैयार हुए इस मॉल में एक साथ 50,000 लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जगह कोतवाली पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। हम लोग जा रहे हैं सुल्तान गोल्ड सिटी थाने पे। वहाँ पर लुलू मॉल जो जिस प्रकार से वहाँ पर कल वो नमाज पढ़ी गई सार्वजनिक स्थल पे, सरकार पूर्व में कहती आई है कि सार्वजनिक स्थल पे ना कोई पूजा पाठ होगा ना कोई नमाज होगा। तो हम लोग का विरोध यह है कि एक मॉल है जहाँ पर जो है जनता जाती है, हर समाज के हर धर्म के लोग जाते हैं, तो वहाँ पर उपासना स्थल ना बना करके मॉल का दुरुस्वरूप रहने दिया जाए। और लगातार सोशल साइटों पे इनके ऊपर आरोप लगता रहा कि ये लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। 70% एक धर्म के लड़कों को रखा जाता है, 30% हिंदू और अन्य धर्मों की लड़की को रखा जाता है, जो बाद में लव जिहाद का रूप धारण करता है। तो ऐसे आरोपों की पुष्टि के लिए हम आज थाने में एप्लीकेशन देने जा रहे हैं कि लुलू मॉल जो है लुलू मॉल पे ये सोशल साइटों पे लगातार सब जगह चल रहा है। तो ऐसे जो आरोपों की जांच के लिए हम वहाँ प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, ये जांच करें और कल हम लोग वहाँ सुंदरकांड का पाठ करेंगे अगर प्रशासन ठीक से कार्रवाई वहाँ नहीं करता है तो। और उसके हमारा कहना है जो भर्तिया के लिए इंटरव्यू जाँच की जाए कि जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। और आरोप में जब वो अपना लिस्ट देंगे कर्मचारियों की भर्ती तो हो सकता है जल्द दे सकते हैं, तो उसकी किराए से उसकी जाँच की जाए। इन मामलों को लेकर के अभी हम थाने जा रहे हैं, वहाँ के बाद अब लुलू मॉल जाएंगे, वहाँ के प्रशासन से बात करेंगे कि क्या हम लोग कल यहाँ सुंदरकांड कहाँ करेंगे, हमको जहाँ पर नमाज मिलेगी वही स्थान हमको भी दिया जाए और कल हम लोग वहाँ सुंदरकांड का पाठ करेंगे। लुलू मॉल सभी धर्मों का आदर करता है, किसी भी प्रकार का की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहाँ अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नजर रखी जाए। इस मॉल को हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और हम अपने मीडिया के दोस्तों से ये आग्रह करते हैं कि आप सभी हमारा इस चीज में सहयोग करें। धन्यवाद।